आज थोड़ा सा आउटडोर कर रही हूँ, तो आज हम करने वाले हैं इंटरव्यू हसन जहांगीर का। ये तो पता नहीं होता किसी को कि बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। एक कीड़ा या कोई ऐसी चीज बंदे के अंदर होती है ना, जैसे नहीं कीड़ा का तो मुझे पता नहीं, रेडियो में या FM पे बज रहा है तो वो इतना छोटा सा सेट है, उसके अंदर लोग कितने खूबसूरत होंगे। तो मैं सोचता था अब जब कोई मेरा पसंद का गाना बजेगा मैं उसको तोड़ के चेक करूंगा, जब वो गा रहा होगा तो मैं देखूंगा उसमें कितने छोटे छोटे लोग हैं, इतनी अच्छी आवाज़ कैसे। रेडियो को तोड़ दिया। ओ, अच्छा। देखा तो उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह सारी चीज़ें और कुछ भी नहीं था, इंसान तो कोई भी नहीं था। तो डांट बहुत पड़ी मुझे घर में, मार भी पड़ी। ये 15 आदमी मिलते हैं फिर वो एक गाना बनता है एक, तो मैंने सोचा ये सब ऑल इन वन एक आदमी में होना चाहिए। मुझे माचो मैन का लुक आना चाहिए, मेरी बॉडी फिटनेस होना चाहिए, स्टाइल होना चाहिए, मेरे कपड़े अच्छे होने चाहिए, लुक में अच्छा नजर आना चाहिए, परफॉर्म करूं तो उसमें स्टाइल होना चाहिए, गाओ तो उसमें पावर होनी चाहिए, रिदम अच्छा होना चाहिए, म्यूजिक अच्छी होनी चाहिए, साउंड अच्छा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूँ आपकी होस्ट निशा खान और आप देख रहे हैं आपका अपना शो गुड इवनिंग पाकिस्तान विद निशा खान। तो आज हमारे साथ मौजूद होंगे शो पे एक वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी, और मैं आज थोड़ा सा आउटडोर कर रही हूँ, थोड़ा सा मेरा आप देख सकते हैं बैकग्राउंड। तो आज हम स्टूडियो में नहीं, आज हम आए हुए हैं हमारे लेजेंड हसन जहांगीर के गाने की लॉन्चिंग पे। तो आज उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, भी उनके लाइफ स्टाइल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया और किस तरह टाइम अपना गुजारा और यहाँ इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचे। तो आज हम करने वाले हैं इंटरव्यू हसन जहांगीर का। इसके अलावा उनकी सॉन्ग्स भी लॉन्च हो रही है, वो भी हम उसके बारे में भी चीज़ें आपको दिखाएंगे बाहर से, लेकिन अभी हम चलते हैं हसन जहांगीर के पास। सो आज हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली हसन जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने इतनी मसरूफियात में टाइम दिया और माशाल्लाह से सर का गाना आज लॉन्च होने जा रहा है, तो हमने बोला आज क्यों ना सर को फिर बहुत फोर्स किया कि टाइम दें और इनकी बारे में थोड़ा सा जाने। जानते तो सभी हैं क्योंकि माशाल्लाह लेजेंड है और पूरे पाकिस्तान में, और सबसे पहली बात इंडिया में इन्होंने इतना काम किया हुआ है कि मैं कहती हूँ कि किसी ने नहीं किया होगा। और माशाल्लाह सर आपके तो गाने इतने फेमस हैं, तो कैसा फील होता है सर, इतने लोग जानते हैं और इतना प्यार मिलता है? नहीं, माशाल्लाह से दुनिया भर में जहाँ भी हम जाते हैं तो ये अल्लाह की रहमत है और लोग प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, तो सारी दुनिया में अल्लाह की रहमत से मेरी पहचान है, तो बस यही है। अच्छा सर, थोड़ा सा ये बताएं कि बचपन से ही क्रेज़ था कि एक बड़ा आर्टिस्ट बनना है और सिंगर बनना है? नहीं, ये तो पता नहीं होता किसी को कि बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, लेकिन एक कीड़ा या कोई ऐसी चीज़ बंदे के अंदर होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल होता ना भाई अपनी गुनगुना नहीं कीड़ा का तो मुझे पता नहीं, लेकिन बस म्यूज़िक का शौक था, म्यूज़िक में इंटरेस्ट लेता गया, फिर सोचता गया कि कैसे स्टार बनना है, क्या प्लानिंग करना चाहिए। तो मैं जिन लोगों को देखता था उस ज़माने में, जो जो सिंगर्स थे मशहूर, उनको फॉलो करता था कि वो क्या करते हैं, इतनी आवाज़ अच्छी कैसे। तो उस ज़माने में मुझे इतना सेंस तो नहीं था, मुझे ये पता था कि म्यूज़िक रेडियो में या FM पे बज रहा है तो वो इतना छोटा सा सेट है, उसके अंदर लोग कितने खूबसूरत होंगे। तो मैं सोचता था अब जब कोई मेरा पसंद का गाना बजेगा मैं उसको तोड़ के चेक करूँगा, जब वो गा रहा होगा तो मैं देखूँगा उसमें कितने छोटे छोटे लोग हैं, इतनी अच्छी आवाज़ कैसे। ओके, तो बस ये मेरा शौक था, तो मैंने रेडियो को तोड़ दिया। अच्छा। देखा तो उसमें सारी इंस्ट्रूमेंट वगैरह सारी चीज़ें और कुछ भी नहीं था, इंसान तो कोई भी नहीं था। तो डांट बहुत पड़ी मुझे घर में, मार भी पड़ी। अच्छा, फैमिली वाले एग्री नहीं थे कि इस फील्ड में जाओ या इस काम नहीं, करो? फैमिली वाले एग्री नहीं, पहले फैमिली वाले इसलिए मार रहे थे कि तुम रेडियो सेट तोड़ दिया ना, उन्होंने तो अच्छा तो ओके। तो जाहिर है उस ज़माने में फैमिली तो बाद में आएगी कि आपको पसंद है या नहीं है, वो तो एक बच्चा एक म्यूज़िक सुन रहा है, अच्छा लग रहा है, मैंने कहा इतनी खूबसूरत आवाज़ें हैं उसको चेक किया जाए, जैसे आप TV पे लोगों को देखते हैं कोई डांस कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो बचपना में आत्मा और इतना सेंस तो इंसान में नहीं होता, अब मैं तो टीवी सेट को तोड़ के चेक करूंगा पीछे कौन नाच रहा है। ये चीज़ें इसी तरह मेरी मिस्टेक थी कि मैं रेडियो। अच्छा सर, फिर किस एज से आपने फिर स्टार्ट लिया गाना गाना? क्लास 7 से मैंने म्यूजिक को प्रॉपर्ली सीरियस लेना शुरू कर दिया हुआ। तो स्कूल में फेयरवेल पार्टी हुई थी, मैट्रिक और 9th के लोग जब आते हैं जाते हैं तो क्लास में तरक्की होती है, तो एक फेयरवेल पार्टी होती है। ओके। तो उसमें ज़ाहिर है मुझे भी मौका मिला, देखा म्यूज़िक इवेंट हो रहा है, तो मुझे भी स्कूल में ज़ाहिर है टीचर फ्री टाइम में क्लास में म्यूज़िक सुनते थे। Exactly. तो लड़कों ने कहा यार तुम्हें गाना चाहिए, तो मुझे अंदर शौक भी पैदा हो गया था। तो इतफाक़ से उस शो में मैंने परफॉर्म किया
और मैंने कैसेट रिकॉर्डर पे मैंने रिकॉर्ड कर लिया गाना। ओके। तो उसको जब मैंने सुना गाने के बाद तो मुझे बड़ी पसंदीदाई मिली और लोगों ने पसंद किया, तो वो रिकॉर्ड मैंने सुना तो मैंने कहा मेरी आवाज़ ही बहुत खूबसूरत है, अच्छी आवाज़ है और मैं ठीक गा रहा हूँ, तो मैंने कहा मुझे इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। Okay. और फिर मैं मेंटली प्रॉपर वे में सीरियस होकर लोगों से पूछने लगा कि म्यूज़िक कहाँ सीखा जाएगा, कौन सिखाएगा, कैसे सीखेंगे। ओके। तो फिर लोगों के ज़ाहिर सबसे आपकी खुशी होती है, आपको एक एक्साइटमेंट होती है, तो आप चाहते हैं कि जस्तजू कैसे पूरा करें, कहाँ जाएँ। तो लोग नहीं मिलते, उस ज़माने में म्यूज़िक के इतना यहाँ कल्चर नहीं था, टेंट नहीं था, तो फिर बड़ी मुश्किलों से किसी से पता चला जी फलां क्लब है, फलां म्यूज़िक उजिक हारमोनियम और उस टाइम पे तो पुराना ज़माना पुरानी चीज़ें। हाँ, तो फिर मैं म्यूज़िक उजिक के क्रेज़ में लगा निकला, फिर बस उनकी खिदमत करता रहा। लक कहाँ से लगा, इंडिया कैसे गए, इंडिया जाके गाना गाने? बड़ी स्ट्रगल की बात है, बड़े मतलब आपकी भी बड़े स्ट्रगल करके आप यहाँ तक पहुँचे। हाँ, स्ट्रगल जितना मुश्किल से जो आता है उतनी मुश्किल से वो जाता भी है। अच्छा। जो जितनी आसानी से आ जाता है वो उतनी आसानी से चला भी जाता है। तो मैंने हार्ड वर्क किया, मुझे अल्लाह ने सक्सेस दिया, कामयाबी मिलती गई मुझे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से मैं हिट होता गया। फिर मुझे ग्रेजुअली मुझे अंदाज़ा हुआ कि जब म्यूज़िक सुनता हूँ तो पता चला म्यूज़िक डायरेक्टर कोई और है, सिंगर कोई और है, एक्टर कोई और है, हीरो कोई परफॉर्म कर रहा है। तो सारी चीज़ें मैंने कहा यार ये 15 आदमी मिलते हैं, फिर वो एक गाना बनता है, एक फिल्म में देखते हैं फला हीरो नाच रहा है, नाच कोई और रहा है, गा कोई और रहा है, म्यूज़िक किसी और की। एग्जैक्टली। तो मैंने सोचा ये सब ऑल इन वन एक आदमी में होना चाहिए, तो 15 आदमी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं अकेला फिर आपने सोचा कि तो फिर मैंने सोचा कि मुझे माचो मैन का लुक आना चाहिए, मेरी बॉडी फिटनेस होना चाहिए, मेरा स्टाइल होना चाहिए, मेरे कपड़े अच्छे होने चाहिए, मुझे लुक में अच्छा नजर आना चाहिए, मुझे परफॉर्म करूँ तो उसमें स्टाइल होना चाहिए, गाने गाऊँ तो उसमें पावर होनी चाहिए, रिदम अच्छा होना चाहिए, म्यूजिक अच्छी होनी चाहिए, साउंड अच्छा होना चाहिए और आपकी बात करना बोलना अंदाज एक मैजिक होना चाहिए। जब वो मैजिक होगा तब आप परफॉर्म करेंगे तो लोग आपको आंखों से मुंह से आंख से कान से यूं करके देख रहे हैं। जब एग्जैक्टली एक्सप्रेशन आएगा तब लोग आपको अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। ओके ओके सर, तो इस सब के पीछे कोई सपोर्ट करने वाला था या अकेले मैनेज किया पूरा? ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत की सपोर्ट और मेरी मेहनत बस। ओके। फैमिली मेंबर्स से कभी कोई इश्यूज या ऐसे कोई मामलात नहीं हुए? ओके, गॉट इट। तो सर अभी क्या बोलते हैं, राइट नाउ क्या चल रहा है, अभी कौन से प्रोजेक्ट्स अपकमिंग? राइट नाउ मेरा स्टूडियो लॉन्च हुआ है, ऑडियो वीडियो और प्लस म्यूजिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हसन जहांगीर म्यूजिक एकेडमी है जहां बैठी हुई हैं। बिल्कुल, माशाल्लाह। हसन जहांगीर म्यूजिक एकेडमी, हसन जहांगीर HJ9, ये सारी चीज़ें जो दिए से दिया जलता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे नाम मुकाम इज्जत जितनी रोशनी मेरे अंदर डाली है, मैं अपने चिराग से चाहता हूँ कि पाकिस्तान के यंग जनरेशन को ये चिराग से चिराग जलाता चला जाऊँ और नए जनरेशन को जो कुछ मुझे आता है मैं उनमें ट्रांसफ़र करूँ ताकि ये भी दुनिया में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। बिल्कुल। अच्छा सर, अभी की म्यूजिशियन में और पहले की म्यूजिशियन में क्या डिफरेंस आपको नज़र आता है? कोई डिफरेंस नहीं है, बस अभी और दुनिया के पूरी दुनिया में जो डिफरेंस है वो सिर्फ मोबाइल सेट। तो सर आप लोगों के ज़माने में तो इज़ वेरी डिफरेंट कल्चर, राइट नाउ इज़ वेरी फास्ट टाइम एंड डिजिटल। वो भी ज़माना था, अब मेरा ये ज़माना है। अच्छा। वो कुछ और ज़माना था, ये अब कुछ और ज़माना है। अच्छा। तो मैं माशाल्लाह से हर ज़माने में काम कर रहा हूँ। ओके सर, तो ये जो आपका सॉन्ग है बड़ा मशहूर हवा हवा, तो ये कैसे खुद लिखा है या किसी ने लिख के दिया था, कैसे दिमाग में आया जब इसको सिंगिंग किया, क्योंकि ये तो काफ़ी आपका हिट सॉन्ग है, इसके अलावा भी मजीद है लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा हिट। हर गाने एक आदमी के अगर चार बच्चे हैं तो चारों पसंद होते हैं, लेकिन एक बच्चा उसमें बहुत कामयाब साबित हो जाता है, बाकी दूसरे बच्चे भी होते हैं, किसी की शोहरत कम होती किसी कम होती ज़्यादा exactly. किसी की, तो उसमें इसी तरह मेरे बहुत सारे बेताशा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गाने मेरे कामयाब किए हैं। हटो बचो, दिल जो तोड़े, यूनाइटेड नेशन के लिए मैंने किया, शादी ना करना यार वो पछताओगे सारी लाइफ, आ जाओ जरा मेहंदी लगाओ, शावा भी नखरा गोरीदा, ये फैशन के नए रंग हैं, आया ज़माना प्यार का, डोल डोल डुल्लोनी, 19147 पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान मिला, धाकचिक धाकचिक दिल बोले, बहुत सारे एल्बम है भाई सर के। सर ये गाने खुद लिखे सारे? माशाल्लाह। सीरियसली? बिल्कुल। तो माशाल्लाह वेरी टैलेंटेड।
टैलेंटेड तो आप कह रही हैं, वैसे मैं टैलेंटेड इतना नहीं हूं। नहीं सर, वेरी टैलेंटेड एंड वेरी हम्बलफुल एंड ग्रेट पर्सनालिटी। मैं कहती हूँ कि ऐसे लोग पाकिस्तान में अब ना आ सकते हैं, ना कभी ऐसा टैलेंट मिल सकता है पाकिस्तान को। नहीं नहीं, बस जो आता है, जहाँ मैं आज खड़ा हूँ कोई और खड़ा होगा तो ये नहीं नहीं नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ सर। आप लोग लेजेंड हैं और आपकी तरह मैंने अभी तक वाकई पाकिस्तान में सिंगर नहीं देखा। आप लोगों ने नाम रोशन किया है, आपका तो गाना माशाल्लाह भी रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट में देखा, इंडियन सॉन्ग, इंडियन वालों ने कॉपी किया इनके सॉन्ग को सर। बहुत सारे गाने हम इंडियन फिल्मों में मैंने भी गाए हैं। और दूसरी बात ये कि मेरा नया गाना लॉन्च हो रहा है चमक चलो, और अभी नाराजी किसे, मेरा यूट्यूब चैनल है हवा हवा भाई हसन जहांगीर ऑफिशियल। या देखो उसी के नाम से रखा हवा हवा के नाम से ही रखा। उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उसमें नई पुराने गाने मेरे आएंगे, मेरी बातें, मेरी लाइफ स्टोरी, और ये जब बातें आप यहाँ सुन रहे हैं वहाँ पे भी मेरी सारी बातें हैं, मैंने स्ट्रगल कैसे किया, किस तरह से म्यूजिक मेन हुआ, कैसे हिट हुआ। तो वो बातें आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स लिखें ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं। अच्छा सर, आपको माशाल्लाह फिल्मों में भी ऑफर मिलती होगी, ड्रामों में भी ऑफर मिलती होगी, तो कभी सोचा नहीं करने के लिए? नहीं, मुझे कुछ ड्रामे किए मैंने, नादानियाँ, और भी एक दो चार ब्रांडिंग ड्रामे किए, इंडियन फिल्म किया मैंने 16, 17, 40, 84 में मेरा गाना है, सुहाग में मेरा गाना है, बहुत सारी फिल्में हैं जैसे मेरे गाने हैं, तो ये चलता रहता है जैसे लाइफ। अभी एक गाना मेरा चल रहा है अक्षय कुमार कतरीना कैफ पे, रिम झिम बारिश, या, exactly. तो माशाल्लाह से बहुत गाने हैं, चलता रहता है, काम कर रहे हैं। और मैं नेटवर्क आदमी है, काम के लिए आदमी को काम करते रहना चाहिए। अच्छा सर, बचपन की लाइफ ज़्यादा अच्छी थी या अब वाली लाइफ ज़्यादा? हर लाइफ अच्छी है जिस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन यू कि आप किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। हर लाइफ अच्छी है, बस माजी को छोड़ें, आगे देखें आगे क्या हो रहा है। अच्छा सर, आप मतलब सारे तरीके, सारे कैटेगरी के गाने गा लेते हैं या कोई ऐसे? देखें सैड, इमोशनल, हर तरह के गाने होते हैं, गाए ना गाए गाना पड़ता है, गाने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, सभी करते हैं अपना काम। ओके सर, आपने तो माशाल्लाह पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग की हुई है, तो कौन सी कंट्री अच्छी लगी, कौन सी कंट्री में काम करना अच्छा लगा? सारे मुल्क अच्छे हैं, हर मुल्क की अपनी ज़ुबान है, वो सब अच्छी है, वो बस मीठी ज़ुबान है, बस पाकिस्तान इज़ द बेस्ट। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मेरे काम लगे हुए हैं। ओके ओके श्योर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। इंशाल्लाह आपको कभी टाइम मिले तो प्रॉपर टाइम दीजिएगा इंटरव्यू के लिए। सो गाइज, आज हमारे साथ मौजूद थे हसन जहांगीर, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए शो के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।